आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई जब एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी पर तीन अफराद ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की। बताया जाता है कि 2 गोली उनके पेट में लगी जबकि 1 गोली उनके सीने पर लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और ऐसे वक्त में हुकूमत में शामिल एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर देना कोई मामूली बात नहीं है। इस वाक़े ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। बाबा सिद्दीकी एक बाअसर लीडर थे, बॉलीवुड से उनका एक ख़ास रिश्ता था, उनकी अफ्तार पार्टियां काफ़ी मशहूर थीं। बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती में भी अहम किरदार अदा किया था। संजू बाबा, एक बाबा संजू बाबा, क्या हुआ? जानकारी आपकी मुलाकात हुई संजू बाबा, देखो साइड से मेरे लिए पर्सनल लॉ से मेरे तो 35 साल की मित्रता थी उनसे, मेरे सीनियर थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। 2 दिन पहले ही बात हुई, आज उस दुनिया में नहीं है, तो बहुत दुख की। जिस तरह से घटना हुई और उनका निधन हुआ, इस दुख के घड़ी में हम लोग सभी लोग उनके परिवार उनके साथियों के साथ खड़े हैं। कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया, बंबई बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, ईशान को हिम्मत। दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता, दिन दहाड़े हत्या। मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है, देश में सुरक्षित कौन है? ये बहुत हतप्रभ करने वाली घटना है। हम सब बहुत शॉक्ड हैं और बाबा सिद्दीकी का जाना, एक हंसते मुस्कुराते नेता का चला जाना है, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके बेटे जिशान सिद्दीकी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है यानी सत्ता के केंद्र में है, और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी, पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है? अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में टोटल कानून व्यवस्था कोलैप्स है और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे आप? द न्यूज अबाउट मिस्टर बाबा सिद्दीकी इज वेरी डिस्टर्बिंग। द कंसर्न हियर इज दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन महाराष्ट्र इज गोइंग रियली डाउन। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन महाराष्ट्र हैज फेल्ड
एंड द बीजेपी लेड महायुति महाराष्ट्र गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र व्हाई दे हैव फेल्ड टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल. पीपल आर टेकिंग लॉ इन देयर हैंड्स एंड फील फ्री टू डू व्हाट दे वांट बिकॉज देयर इज नो फियर ऑफ द लॉ. द होम डिपार्टमेंट लेड बाय मिस्टर देवेंद्र फडणवीस सीम्स टू हैव फेल्ड. Whether it's a leader from their party whipping out a revolver in the police station or the Koita gang going around in Pune, across the state, the fear of law has failed. Therefore, the Bharatiya Janata Party led government in Maharashtra needs a lot of answering to do, and Mr. Devendra Fadnavis, the Home Minister, must ask himself, is he capable to handle the Home Department, because he has completely failed. And I don't think he can take care of this department any further.